केस क्या है, पेशेंट का सी सेक्शन हुआ है, डिलीवरी हुई है, पेशेंट वाज इन आईसीयू एट द टाइम ऑफ कंसल्टेशन, क्यों थी वो बताता हूं आपको, कंप्लेन ऑफ लॉस ऑफ विजन सिंस द मॉर्निंग। क्या हुआ कि आफ्टर डिलीवरी सब कुछ ठीक था सी सेक्शन के बाद में, और पेशेंट का विजन चला गया मॉर्निंग, देख नहीं सकते बिल्कुल, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और पेशेंट क्योंकि हाई रिस्क डिलीवरी थी इसकी, तो इसलिए आईसीयू में इसको डिलीवर किया गया। क्यों किया गया देखते हैं क्या है। देखिए कंप्लेंट्स में कन्वर्जन्स, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा, फ्रंटल हेडेक, हाई बीपी 160 बाय 100 एमएम ऑफ एनर्जी, एल्बुमिनुरिया 3+, ये चार चीजों को देखकर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि क्या है कंडीशन, एक्लेम्शिया की कंडीशन है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, ये सारे सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाते हैं। ये बहुत वेरी कॉमन बात है ना कि पेशेंट के सारे सिम्टम्स आफ्टर डिलीवरी रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर डिलीवरी पेशेंट को कन्वर्जन हो रहे हैं, फ्रंटल हेडेक भी हो रहा है जो कि प्रीवियस भी था, और हाई बीपी 160/100 बीपी आ रहा है, जबकि पेशेंट एंटी हाइपरटेंसिव पर है, जो भी प्रोटोकॉल उनका होता है सब चल रहा है, उसके बाद का स्टेटस है, और एल्बुमिनुरिया 3+ हमारे पास आया लॉस ऑफ विजन के लिए पेशेंट। हमने पेशेंट को शुरू किया, लेकिन अब बहुत सारे हॉस्पिटल पूरे भारत में हमारे जो है एक्सेस हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे कई नए जगह पर फंस जाते हैं, तो जो कंसल्टेंट डॉक्टर होता है कई बार वो बोलता नहीं हम नहीं, हम भी देने देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो इसकी स्टोरी सुनाते, कई बार हमसे आप लोग भी लास्ट में क्वेश्चन पूछे दोस्तों, उत्तर मैं पहले ही दे देता हूं कि सर वहां पे कोई पेशेंट एडमिट है हॉस्पिटल में, तो वो मेडिसिन नहीं देने देते, या मेडिसिन कैसे देते हैं, अप्रोच कैसे होता है। तो डॉक्टर जो इन्होंने किया वही अधिकतर डॉक्टर करते थे पहले, आज भी कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी जिनको समझ में आ जाता है कि भैया कुछ नहीं हो रहा है, अप्रोच लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो लोग ले लेते हैं। तो पेशेंट को हमने शुरू किया, उसको ट्रीटमेंट बता दिया, लेकिन अब वो डॉक्टर थे, डॉक्टर गुप्ता है दिल्ली में एक हॉस्पिटल में, उन्होंने मना कर दिया भाई हम नहीं देने देंगे पेशेंट को कुछ हो गया तो, और ऑलरेडी इसको यहां पर हाई रिस्क डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि यहां पर ब्रेन एटियोलॉजी हो गई, वो अभी दिखाएंगे हम आपको। तो पेशेंट के रिलेटिव ने हमसे बात कराई, बोले आप डॉक्टर साहब से बात करेंगे, करा तो डॉक्टर गुप्ता करके तो उनसे बात हुई, बोले सर इसमें क्या दे रहे हैं आप, मैंने कहा दवाई पे लिखा पढ़ लो, बोले कुछ हो गया तो, और ये कैसे मोड ऑफ एक्शन है इसका, तो मैंने कहा मोड ऑफ एक्शन मैं समझा देता हूं आपको समझ लो। तो पता क्या बोलते हैं, मैं क्यों समझू, तो मैंने कहा मत समझो। फिर वो ले देखे एक बात पर आते हैं लास्टली कि पेशेंट को कुछ हो गया तो मैंने कहा आप लिख के दे दो कुछ नहीं होगा, आपके अंदर है ना पेशेंट, आप लिख के दे दो कुछ नहीं होगा, हमें क्या जरूरत है इंटरव्यू करने की, आपसे नहीं हो रहा है तो हमें इंटरव्यू करने आना पड़ रहा है। तो जैसे ये बोलते हैं वो बैकफुट पे चले जाते हैं और बोलते हैं नहीं ठीक है आप शुरू करो, जो अरे तुम जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हो, तुम पहले ही उसको लिखवा लेते हो कि कुछ भी हो गया हमारी जवाबदारी नहीं, और हम यदि अप्रोच कर रहे हैं या पेशेंट के रिलेटिव अप्रोच करना चाहते हैं तो बोलते कि साहब कुछ हो गया, तो उसका उत्तर ये है कैसे अप्रोच करते हैं इनके अंदर कैसे घुसना है आपको, तो डिफेंसिव नहीं होना है, एग्रेसिव होना है, ईंट का जवाब पत्थर से, कोई डरने की जरूरत नहीं। और वैसे ही इस केस में फिर हमने उनको कन्विंस कर दिया, वो मान गए और हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट में सिर्फ एक मेडिसिन का नाम है चतुर्मुख रस। आप देखो कि आपके यदि दोषों पर पकड़ अच्छी है तो सिंगल मेडिसिन से काम होता है, बहुत सारी मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती नहीं है, और अपने अभ्यास और मेडिसिन जितना अभ्यास करने के बाद वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि इतना क्रिटिकल पेशेंट भी हम किस एक मेडिसिन से रिकवर कर रहे हैं। चतुर्मुख रस हमने इनको शुरू कर दिया, पेशेंट 12 घंटे के अंदर विजन के साथ वापस, बताएंगे ना। तो आप यहां पर ध्यान से देखो मोड ऑफ एक्शन क्या है, पेशेंट को क्या हो रहा है कन्वर्जन हो रहे हैं, ठीक है कन्वर्जन हो रहे हैं, और क्या हो रहा है बॉडी एडिमा, फ्रंटल हेडेक, हाई बीपी, ये सारे लक्षण किसके हैं, जोर से बोलो, किसी को कन्वर्जन आ रहे हैं,
कन्वर्जन किसका है? बात कैसे है? तत्र रूक्ष लघु शीतघर सूक्ष्म चला, चल क्या हुआ यहाँ पर? चल गुण हो गया। किसका गुण है? चल बात का। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? सबसे इजीएस्ट साइंस है वो, लेकिन आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। फ्रंटल हेडेक, बातात नास्ति रुजा रुजा। क्लियर हो गया बात? हाई बीपी, पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, लेकिन इतना मेडिसिन देने के बाद में भी पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, तो कोई भी चीज यदि ज्यादा प्रमाण में हो रही है, जैसे किसी को लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कौन से होंगे? वात का। सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, कौन सी होगी? वात का। बीपी बहुत ज्यादा है, वात का। मतलब जहां पर भी एग्रेसिवनेस होगी, सिर सूर बहुत तेज है, वात का। मंद मंद हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है, तफज। मीडियम हो रहा है, पित्त। सिंपल है, क्लियर हो गया? बस एक सिम्टम आपको यहां पर देख के कंफ्यूजन होगा, जनरलाइज्ड बॉडी एडिमा। तो एडिमा आपको लग रहा है तो कफ के कारण होगी? नहीं। नीचे देखो एल्बुमिनुरिया 3+ धातु क्षय जन्य वात प्रकोप, दिस इज द डायग्नोसिस ऑफ दिस पेशेंट। क्या हुआ? धातु क्षय जन्य, किसी भी प्रकार की धातु का लॉस होना, और उसके कारण क्या होगा? वहां पर स्पेस क्रिएट होगा, और स्पेस क्या है? वो वात है। तो इसको जो एडिमा है वो वातज है। अब ये तो मैंने बता दिया, लेकिन किसी भी स्रोत को देख के कैसे समझ में आएगा? क्लियर है? उसको दबा के देखो, यदि पिटिंग एडिमा हो गया है और वो तुरंत भर गया, तुरंत रिवर्स हो गया, तो वातज है। टाइम ले रहा है, चिंकारी है, तो वो कफज। सिंपल है? कितना सिंपल सिंपल सा डायग्नोसिस हमारे आचार्यों ने बता रखा है, बस हमें अप्रोच करने की आवश्यकता है, उसी तरीके से जाना पड़ेगा। ये दिखा जरूर रहा हूं मैं आपको, ये सब लिखा है, लेकिन अप्रोच क्या थी? आयुर्वेदिक, शुद्ध आयुर्वेदिक, दोषात्मक चिकित्सा। डायग्नोज कर लिया कि ये वातज व्याधि है, चतुर्मुख रस वात व्याधि का कल्प है। किसी भी पेशेंट को दे दो, बीपी कम आते रहेगा, हो नहीं सकता बीपी कम नहीं है, लेकिन कितने दिन? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उसके बाद वो काम नहीं करता है। उसके साथ में आपको उसकी संप्राप्ति भंग चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो ये आपको टाइम दे रहा है, इमरजेंसी इज अबाउट टाइम। तो हमने यहां पर पेशेंट को रिकवर किया, नेक्स्ट, ये उसका स्कैन है, नेक्स्ट। लेकिन ये तो बता दिया मैंने, पेशेंट का वजन लॉस था, वापस आ गया, सिम्टम सारे नॉर्मल हो गए, बीपी कम आ गया, कन्वर्जन आया नहीं उसके बाद, लेकिन सिर्फ एक मेडिसिन से। लेकिन ब्रेन के अंदर क्या हुआ? सबको क्यूरियोसिटी यही है ना, देखते क्या हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट। इन कंपैरिजन टू प्रीवियस स्कैन, मैंने कंपैरिजन देखो, देयर इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द पैरेन्काइमल लीजन्स। जो उसको लीजन्स बन रहे थे, जैसे पक्षाघात में होता है, वो सब क्या हो गए? विडक्त हो गए, इसलिए उसका विजन लॉस वापस आ गया। अभी और कहीं पर होता तो उसको ईयर लॉस हो जाता, मतलब हियरिंग लॉस हो जाता, क्योंकि उसके जोन पर यदि वहां पर ट्रॉमा होता तो उसको हियरिंग लॉस हो जाता। अब विजन के सेंटर पे उसको ट्रॉमा हुआ, इसलिए क्या हुआ? विजन लॉस हो गया। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है यार, कि अरे सर ने तो विजन वाला बताया था, ये मेरे पास तो हियरिंग वाला आया। चिकित्सा दोषात्मक रखिए, आ गया समझ में? पर सिंपल किस एक मेडिसिन से काम हो गया? चतुर्मुख रस से। अब चतुर्मुख रस वात व्याधि का कल्प है, और बहुत अच्छा वात का शमन करता है बलपूर्वक, लेकिन संप्राप्ति को खत्म नहीं कर सकता है। संप्राप्ति को ठीक करने के लिए आपको और औषधि देनी होगी। फिर हमने यहां पर उसकी संप्राप्ति बनाई पेशेंट की, और संप्राप्ति बनी गर्भाशय जन्य, दूषित गर्भाशय जन्य वात प्रकोप। तो इसलिए हमने फिर उनको प्रताप लंकेश्वर रस दिया। प्रताप लंकेश्वर रस क्या करता है? गर्भाशय में स्थित दोषों का अनुगमन कर देता है, इसलिए प्रताप लंकेश्वर रस का प्रयोग किया। 5 से 7 दिन पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल, कोई रिवर्स नहीं हुआ, कोई उसको कन्वर्जन नहीं आया उसके बाद, कोई बीपी की टैबलेट की जरूरत नहीं, और आज तक पेशेंट एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ऑन बेस्ट 3 तक पेशेंट। नेक्स्ट,